बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में इस वक्त एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हर पल, हर मिनट, हर सेकंड में यहाँ पे देखिए किस तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के आशुकान इस वक्त आगे और बीजेपी यहाँ पे पीछे चल रही है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, सहारनपुर सीट की नुक्कड़ सीट की बात करें, तो समाजवादी पार्टी इस वक्त उनके जो प्रत्याशी हैं धर्म सिंह सैनी वो इस वक्त पीछे चल रही है। तो देखिए लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रुझान एक के बाद एक सेकंड में बदल रहे हैं और कौन आगे कौन पीछे। करहल सीट से अखिलेश यादव आगे हैं, सबकी नजर करहल सीट पर थी। अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में और एसपी सिंह बघेल को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव आगे हैं। देखिए तमाम अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, करहल सीट से अखिलेश यादव आगे हैं, बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को पीछे छोड़ते फिलहाल यहां से अखिलेश यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है सबसे पहले जे हिंदुस्तान पर, इसी के साथ 71 सीटों पर बीजेपी आगे है देखिए। और यहां सपा भी पीछे नहीं रह रही है, लगातार आंकड़े सपा के भी बदल रहे हैं, 46 सीटों पर आगे। और इसी के साथ बीएसपी ने भी बढ़त बनाई है, 4 सीटों पर आगे, लेकिन कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही सीट से आगे चल रहे हैं। चलिए पंजाब में भी अच्छी फाइट, यहां पर पंजाब का रुझान आना भी शुरू हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी सीएम का चेहरा है और आगे चल रहे दोनों सीटों से, और इन्हीं पर कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा जताया। लेकिन अपडेट उत्तर प्रदेश का भी जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाह इस वक्त उत्तर प्रदेश पार्टी की हुई है। कांग्रेस 1 सीट पर आगे, बीजेपी 71, समाजवादी पार्टी 46, जबकि बीएसपी को भी अब बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। 4 सीटों पर बीएसपी भी आगे चल रही है। और देखिए करहल से अब बड़ा अपडेट पहले ये जान लीजिए, बीजेपी 79 सीटों पर आगे है, 79 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिल चुकी है। एसपी 46 सीटों पर इस वक्त आगे है। बड़ा अपडेट ये है कि करहल से जो वीवीआईपी सीट आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की, वहां से अखिलेश यादव आगे, वो समाजवादी पार्टी की काफी सेफ सीट भी मानी जाती रही है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने करहल को ही अपने लिए चुना है। करिश्मा बिल्कुल, और अखिलेश यादव करहल जो कि एक सेफ सीट मानी जा रही है, और ये पहले से ही अनुमान का प्रिया कि वो वहां से आगे होंगे, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा आश्वस्त भी थे और हमेशा से वहां से देखिए उनको समर्थन मिलता आया है। बड़ी खबर लगातार बता रही है, बीजेपी इस वक्त 79 सीटों पर आगे चल रही है। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी एक यहाँ पर कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 51 सीटों पर एसपी आगे है, बीएसपी की बात करें 4 सीटों पर बीएसपी आगे है। कांग्रेस के खाते में देखिए अब तक 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना पाई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी के साथ, वाजिलनगर सीट से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य आगे, जो कि काफी चर्चाओं में भी रही है। वाजिलनगर सीट से पूजा वो इस वक्त आगे बताई जा रही हैं। बिल्कुल देखिए बीजेपी का साथ छोड़ सभा में शामिल हुए थे, लगता है ये साथ फायदेमंद साबित हो रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फर्रुखाबाद सीट पर कांग्रेस की लुईस खुर्शीद पीछे है। देखिए यहाँ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुईस खुर्शीद, और ये फिलहाल पीछे चल रही है, हालांकि उम्मीदें बहुत थी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज सीट से सपा के अनिल दोहरे पीछे चल रहे हैं। सपा के अनिल दोहरे कन्नौज सीट से फिलहाल पीछे हैं और रुझान लगातार आपके पास आ रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी खबर, इटावा सीट से सपा के सर्वेश शाक्य आगे चल रहे हैं। इटावा सीट का रुझान बता रहे हैं, सर्वेश शाक्य फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पश्चिमी यूपी की है वो तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है पूजा, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो करहल हो, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो रामपुर हो, यहाँ पर माना ये जाता है एसपी का दबदबा। सिराजगंज सीट से बीजेपी की हरिओम यादव आगे है, ये बड़ा अपडेट। इस वक्त देखिए 79 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, जबकि समाजवादी पार्टी को 51, बीएसपी को 4, कांग्रेस को। सिराजगंज सीट से बीजेपी के हरिओम यादव इस वक्त आगे चल रही है। सभी के दिल की धड़कनें बढ़ी है, क्योंकि देखिए लाल टॉपी खूब हुआ, बुलडोजर की चर्चा खूब हुई, साइकिल की चर्चा खूब हुई, ललका साठ पियर का साठ सबकी इसमें खूब चर्चा हुई। लेकिन आज का दिन भतीजे का दिन है, आज का दिन परिणाम का दिन है। बड़ा अपडेट है, बीजेपी 83 सीटों पर इस वक्त आगे हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी 57 पर। करिश्मा बिल्कुल देखिए, अभी भी हम कहेंगे कि ये अभी पहली तस्वीर है, अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर रुझान जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पल पल में बदल रही है। बीजेपी
83 सीटों पर आगे। और इसके साथ ही देखिए समाजवादी पार्टी 57 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी 4 सीटों पर आगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों, एक और बड़ी खबर, वासिल नगर सीट से समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद।